हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। टुडे वी डिस्कस अबाउट क्लास 12 एनसीईआरटी लेसन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दिस इज पार्ट 7 वीडियो। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट एग्जांपल नंबर 5। ओके, सो एक्सप्रेस टैन इनवर्स कॉस एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स माइनस 5 बाय 2 लेस देन एक्स इज लेस देन 3 बाय 5 टू इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करके बताना है, बट इससे पहले यहाँ पर देखो कुछ फार्मूला लिखा है जो एग्जांपल में यूज होगा, तो आपको ध्यान में रखना है। cos 2x मींस क्या होगा? cos 2x माइनस sin 2x होता है। sin 2x यानी क्या होगा? 2 sin x cos x होता है। sin 2x + cos 2x = 1 होता है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर = a माइनस b * a + b। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर = a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस twice ab। एंड tan x plus y is equal to tan x plus tan y by 1 minus tan x tan y and tan pi by 4 is equal to 1 होता है। ये आपका पूरा ये एग्जांपल में काम में आएगा। अब यहाँ पर देखो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये cos x by 1 minus sin x इसको tan के फॉर्म में लाना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा? cos x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी और sin x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पर देखो आपको मालूम है कि cos x की वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो वी नो दैट अगर आपको cos की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो ये फार्मूला यूज करना है। सो क्या है यहाँ पर? cos 2x इज इक्वल टू क्या है फार्मूला? cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स है। ओके, बट यहाँ पर आपको x चाहिए, तो क्या करना होगा? x की जगह आप x बाय 2 करते हो तो ये 2 बाय 2 कैंसिल हो जाएगा। किस तरह से देखो, यहाँ पर रिप्लेस करना है, रिप्लेसिंग x by 2। अब यहाँ पर x की जगह अगर हम x by 2 लिखेंगे तो 2 2 get cancel हो जाएगा, तो आपको x मिलेगा। तो वही करना है यहाँ पर cos 2x 2, यहाँ पर इस तरह से cos 2 x by 2, x की जगह हमने क्या लिखे x by 2 is equal to cos square x by 2 minus sin square x by 2। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है? ये देखो 2 2 के कैंसिल हो गए हैं, ध्यान दो अच्छे से, 2 2 कैंसिल हो गए हैं। रिमेनिंग क्या बचे हैं यहाँ पर? cos x इज इक्वल टू ये होगा cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर x बाय 2 हो गया। अगेन सिमिलरली आपको क्या करना है? sin x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, sin 2x। तो क्या होगा यहाँ पर देखो, sin 2x क्या होगा? ये साइन 2x, तो क्या होगा? साइन 2x इज इक्वल टू क्या है? 2 साइन x कॉस x है। अगेन आपको क्या करना होगा? यहाँ पर x लाने के लिए रिप्लेस करना होगा x की जगह बाय x बाय 2 करना होगा। सो ये होगा रिप्लेसिंग x बाय 2। सो रिप्लेस करने के बाद क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? साइन 2x by x की जगह x by 2 मिलेगा, 2 sin x की जगह x by 2 cos x by 2। तो यहाँ पर देखो ये 2 2 के कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गए तो यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको sin x is equal to 2 sin x by 2 cos x by 2। ओके, यहाँ तक आ गए। अब ये वैल्यू क्या करना है? ये इक्वेशन में पुट अप करना है, ये वाली इक्वेशन में। ओके, सो यहां से मैं इरेज करता हूं, आप नोट डाउन करते रहना। अब देख लो अच्छे से किस तरह से साइन एक्स की वैल्यू क्या आई और कॉस एक्स की वैल्यू क्या आई। नाउ यहां पर देखो, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? यहां पर आपका क्या है? टैन इनवर्स कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स है। So, क्या होगा यहाँ पर? tan इनवर्स cos x की जगह क्या आएगा आपका वैल्यू? ये cos x cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर x बाय 2। तो ये पुट अप कर लो, cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin x की क्या है? 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2 2 साइन एक्स बाय टू
कॉस एक्स बाय टू, कॉस एक्स बाय टू जो वैल्यू आपने पुटअप किए थे वो। नाउ अब देखो यहां पर अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर देखो कॉस टू एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू है। अब यहाँ पर देखो ये टर्म्स यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, मतलब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई होती है। यहाँ पर देखो स्क्वायर में है ये भी स्क्वायर में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपकी आइडेंटिटी क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही फॉर्म रहेगा यहाँ पर। एंड अगेन आपको यहाँ पर देखो वन की जगह, वन की जगह आपका फॉर्म यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वन है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं वन की जगह। अब एक्स की जगह क्या है एक्स बाय टू है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू इज इक्वल टू मतलब वन रहेगा। तो यहाँ पर अब वहां पर पुटअप करना है, तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या आएगा वन बाय टू आएगा, तो मैं एट ए टाइम पुटअप करता है। यहाँ पर देखो किस तरह से यहाँ पर हम फार्मूला यूज कर रहे हैं, पहली बार ध्यान दो यहाँ पर टेन इनवर्स यहाँ पर फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो क्या होगा यहाँ पर कॉस ये होगा यहाँ पर कॉस कॉस एक्स बाय टू प्लस माइनस साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू। ओके ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ है। नाउ अब देखो यहाँ पर डिवाइडेड बाय, अब आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, यहाँ पर पहले बताया वन की जगह क्या लिख सकते हैं ये वाला फॉर्म लिख सकते हैं, सो क्या होगा यहाँ पर अब इसको ये पहले क्या है कॉस है तो मैं कॉस पहले लिख सकता हूँ, क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू और रिमेनिंग जो बचा है टू माइनस साइन एक्स माइनस टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू। आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये पुटअप किया वन की जगह कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, इसका मीनिंग वन ही होता है, जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू इक्वल टू वन है। ओके तो एक्स की जगह क्या है यहाँ पर एक्स बाय टू है जो हमने पहले किया था। नाउ अब हमें क्या करना है यहाँ पर देखो ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ माइनस ट्वाइस ए बी, क्योंकि यहाँ पर भी कॉस एक्स बाय टू है। ओके तो यहाँ पर भी क्या है एक्स बाय टू है, तो यहाँ पर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी इस तरह से, तो यहाँ पर देखो आप क्या करेंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी का फॉर्मूला क्या है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं ये यहाँ पर टेन इनवर्स में आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो क्या होगा ये कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, ये क्या होगा कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स क्या होगा कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये फॉर्म हो गया यहाँ पर नहीं सॉरी कॉस स्क्वायर नहीं कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू होल स्क्वायर, क्योंकि ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। ओके सो यहाँ पर क्या होगा एक मिनट ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, तो क्या होगा यहाँ पर ए वाली आइडेंटिटी यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर गलत हुआ ये ए माइनस बी होल स्क्वायर यानी क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, करेक्शन कर लेना। तो क्या होगा यहाँ पर ये टर्म्स मिला ए माइनस बी होल स्क्वायर, अब मैं इरेज करता हूँ ऊपर लिखते हैं यहाँ पर देखो तो क्या होगा ये अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर के फॉर्म में तो मैं इसको क्या स्प्लिट कर लेता मतलब दो बार लिख लेता, तो क्या होगा ये टेन इनवर्स
ये होगा वही cos x by 2 minus sin x by 2 into cos x by 2 plus sin x by 2, दो टाइम्स हो गया ये डिवाइडेड बाय, क्या होगा ये दो टाइम्स लिख लेना है यहाँ पर, cos x by 2 minus sin x by 2, अगेन वही टर्म्स लेना क्योंकि स्क्वायर में, तो cos x by 2 minus sin x by 2 ये फॉर्म में आएगा। अब देखो cos x by 2 minus sin x by 2 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो ये क्या हो जाएगा कि कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पर tan इनवर्स cos x by 2 plus sin x by 2 divided by cos x by 2 minus sin x by 2। अब इसके बाद एक स्टेप ध्यान में रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर देखो अब आपको ये क्या है tan के फॉर्म में लाना है, tan के फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा डिवाइडेड बाय x by 2 होल टर्म डिवाइडेड करना होगा, सो क्या करना होगा यहाँ पर यहाँ पर देखो क्या करना होगा ये अब डिवाइडेड बाय x by 2 होल मतलब पूरे इसको डिवाइड करना होगा, तो क्या करना होगा डिवाइड बाय x by 2, नेक्स्ट स्टेप ध्यान में रखना डिवाइड बाय x by 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, x by 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, सो क्या होगा यहाँ पर cos x by 2 से डिवाइड करना होगा, cos x by 2 से, ये टर्म्स ध्यान में रखना, सो क्या होगा यहाँ पर tan inverse आएगा, अब यहाँ पर देखो cos x by 2 इसको भी डिवाइड होगा cos x by 2 plus sin x by 2 sin x by 2 divided by cos x by 2, हर एक टर्म्स को क्या होगा डिवाइड होगा डिवाइडेड बाय क्या होगा cos x by 2 minus डिवाइडेड बाय cos x by 2 minus sin x by 2 divided by cos x by 2 हुआ इस तरह से। अब देखो ये दोनों कट जाएंगे cos x by 2 cos x by 2, तो ये कट जाएगा मतलब यहाँ पर देखो ये 1-1 से होगा और ये 1-1 होगा, मतलब यहाँ पर 1 आएगा यहाँ पर भी 1 आएगा, ऊपर का एरेज करता मैं तो क्या मिलेगा यहाँ पर tan इनवर्स ये होगा 1 प्लस sin x by 2 cos x by 2, तो क्या होगा ये tan x by 2 होगा sin x by 2 cos x by 2, तो tan x by 2 होगा डिवाइडेड बाय ये क्या होगा यहाँ पर 1 माइनस sin x by 2 बाय cos x by 2, तो ये भी क्या होगा tan x by 2 होगा, तो यहाँ तक आ गए आप। अब इसके बाद एक बार ध्यान में रखो यहाँ पर हमें क्या है सपोज ये यहाँ पे आइडेंटिटी के हिसाब से tan x plus tan y by 1 minus tan x plus tan y, तो इसको tan x मान लो फिलहाल tan x plus tan y divided by 1 minus tan y है tan x नहीं है, तो यहाँ पर 1 से मल्टीपल करते हैं ओके, तो यहाँ पर क्या होगा 1 आएगा, तो ये क्या होगा 1 minus tan x tan y होगा, tan तो नहीं होगा बस उसके फॉर्म में आएगा, सो क्या होगा ये tan इनवर्स 1 प्लस tan x by 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 इंटू tan x by 2, तो आया इसके फॉर्म में tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x इंटू tan y, वो फॉर्म नहीं मतलब उसके फॉर्म में है, यहाँ पर भी हमें क्या होना tan आना चाहिए यहाँ पर भी, अब यहाँ पर देखो नीचे का इरेज करता देन उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है यहाँ पर, अब यहाँ पर ये फार्मूला लाने के लिए मतलब ये कंडीशन लाने के लिए आपको यहाँ पर देखो tan पाई बाय 4 एन एम 1 होता है, तो 1 की जगह हम क्या पुट अप करेंगे tan पाई बाय 4, तो आपको पूरा tan का फॉर्म मिलेगा, सो क्या हो गया ये tan इनवर्स 1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं tan पाई बाय 4 प्लस
tan x by 2 divided by 1 minus 1 की जगह हमें क्या पुट अप करना है, tan pi by 4 और ये क्या होगा इंटू tan x by 2 हमने पुट अप किए। अब देखो यहां पर आया tan x plus tan y, ये फॉर्म में आया 1 minus tan x इंटू tan y, तो यहाँ पर क्या होगा अगर tan x plus tan y by 1 minus tan x plus tan y, तो इसका डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म क्या आएगा tan x plus y, तो यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर tan इनवर्स, ये क्या होगा tan, अब ये फॉर्मूला ये फॉर्म में आया तो क्या होगा tan शॉर्ट में x plus y, तो x क्या है यहाँ पर ये और y क्या है ये, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं tan pi by 4 प्लस एक्स बाय टू, ये फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये x है और ये y है। अब देखो इसको ये कैंसिल हो जाएगा, किस तरह से tan इनवर्स को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर tan इनवर्स को आप 1 बाय tan लिख सकते हैं और ये होगा इंटू tan, ये आपका पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, ये tan tan के कैंसिल, क्या बचा ये बचा लास्ट में पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, तो यही आपको प्रूव करके बताना था पाई बाय, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना था पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। इस तरह से थोड़ा लॉन्ग है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताना था कि किस तरह से मतलब सॉल्व करना है, सो डोंट बी कंफ्यूज, वन बाय वन स्टेप से सॉल्व करना है और ये लिखना है आपको, ओके। सो यहाँ पर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन फिनिश होता है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।